तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो बंधु सखा हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो बंधु सखा हमारे। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो सखा हमारे। ओम साई राम, नमस्कार, दिस इज साई पूजा। साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और बाबा का ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। तो जैसे कि आपको पता है कि पीछे हमारे द्वारका माई है, द्वारका माई हमारे बाबा की माई, जिसको जहाँ बाबा 60 साल रहे और बाबा ने द्वारका माई को अपनी माँ माना। और कहते हैं कि जो द्वारका माई और समाधि की सीढ़ियाँ चढ़ता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो मेरे साथ आज पूज से, पूज ना, पूंज जम्मू कश्मीर से एक साईं भक्त है। सबसे पहले तो आप दोनों अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुषमा सूरी है, ये मेरी बेटी है महिमा सूरी। मेरा नाम महिमा सूरी है। तो बाबा से जो आप जम्मू से बहुत 250 किलोमीटर और दूर माइक यहाँ लगा रहे आपने पूछ, मैंने तो पहली बार नाम सुना। बॉर्डर एरिया, ये बॉर्डर एरिया। बाबा ने आपको कब से अपने साथ जोड़ा? मुझे कोई 13-14 साल हो गए। एक बार हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, उसने व्रत का उद्यापन किया और मुझे एक पुस्तक दी, वो साईं बाबा की व्रत की। था हाँ, तो वो मैं ऐसे बस वो आई मेरे, तो मैं पढ़ती थोड़ी बहुत बीच में से, फिर व्रत भी रखे ऐसे बचपन में से, तो बाबा के पिक्चर वगैरह देखती थी, थोड़ी लगाव था बाबा के साथ। पर उसके बाद धीरे 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 उसने ऐसे बोला मैं शिरडी गई ऐसे, तो मुझे खुद दिल से ना मुझे ऐसे कशिश होने लगी बाबा के साथ, ऐसे दिल से ही मुझे लगाव होने लगा। तो बस यही एक बार मेरी ब्रेस्ट में ना थोड़ा सा वो हो गया था, सिस्ट बन गई थी। अच्छा, सिस्ट बन गई थी। तो मैंने जम्मू जाके इसका टेस्ट करवाया, तो मैंने बोला, तब मैं बाबा से इतनी लगाव नहीं था मैंने, तो मैंने बोला टेस्ट मेरा हो रहा है, तो मैं अगर ये उस टाइम ये बीमारियों का इतना चर्चा नहीं था जैसे कि अब है, ये बीमारियां निकल रही हैं, जो खतरनाक बीमारी का नाम है। मैंने बोला मैं जाऊंगी, टेस्ट मेरा ठीक आए तो मैं वैष्णो देवी जाऊंगी। तो मैं वैष्णो देवी होके आई, मत्था टेका, आ गई। उसके दौरान मेरा ऑपरेशन सर्जरी हुई मेरी पूंछ में ही, तो छोटा सा हॉस्पिटल था वहाँ, इतना बड़ा नहीं है, मंडी में बूढ़े अमरनाथ, वहाँ मेरी सर्जरी हुई। तो मुझे जब मैं सर्जरी हो रही थी, मैंने एक ही नाम मेरे मुंह में था, पता नहीं कहाँ से वो बाबा की थी, साईं साईं साईं, यही मेरे जुबान पे था, बाबा का ही नाम क्या था। माता के दर्शन करके, यही माता के दर्शन, तो मेरे जुबान से साईं साईं निकल रहा था। तो वो डॉक्टर थे, वो बोलने, वो साथ में उसके साथ एक होता लड़का, वो सरदार था, वो बोलने लगा ये क्या बोल रही है बार बार। तो डॉक्टर बोले ये सिमरन कर रही है, इसको बोलने दो जो बोल रही है ये। तो मेरे जबान में बस साई 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 यही था। फिर वो मेरी ब्रेस्ट की वो निकली जो गांठ, फिर रिपोर्ट गई तो नॉर्मल ठीक हुआ, मेरा ऑपरेशन ठीक हो गया, मैं स्वस्थ होगी, ठीक होगी। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे बाबा के साथ लगती गई। फिर ऐसे ही हम अचानक, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने शिरडी जाना, हमने वो बोलने लगे बहुत दूर है, हम कभी इस एरिया में आए नहीं, बहुत दूर है, कैसे जाएंगे हम शिरडी कैसे। मैंने बोला करो कुछ कैसे भी करो, पर हमने जाना है बाबा के मत्था टेकने, दर्शन करने। फिर मेरे हस्बैंड महाराष्ट्र कोई फ्रेंड था, उसके थ्रू हम आए। मुस्लिम की बात है ये, कोई 16-17 फर्स्ट टाइम हम आए थे। अच्छा, तो मेरे हस्बैंड आए, एक लड़का मुस्लिम था, वो इधर का महाराष्ट्र हमारे उधर का था, इधर काम करता था, उसके साथ ही हम आए। तो इधर आए, समाधि मंदिर गए थे सिर्फ, हाँ सिर्फ। हमने क्या किया, अंधेरा पड़ गया था, हम भी अनजान थे, तो हमने क्या समाधि मंदिर ही मत्था टेका। तो बस जैसे मैं आई ना, तो मुझे ऐसी कशिश मेरी आंखों में, आंसू में बोलूं कान से उतार के गले, सबको यही भी छोड़ के जाऊं, गोल्ड सारा मेरे दिल में, ऐसी खुशी और ऐसी मेरे अंदर, मैं बता नहीं सकती कि मैं बोलूं कानों से उतारूं गले से सारा सब गोल्ड बाबा को देके जाऊं, पता नहीं क्या। उसके बाद फिर मैं पीछे साई सुमरन हो गया, लग गया, साई के मैं ही रम गई। बस फिर हम आए, तो फिर समाधि मंदिर में हम गए, द्वारका माई में नहीं हम गए। तो मैं घर गई, तो फिर कोई थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी को सपना आया, तो बेटी के सपने में इसने देखा ये एरिया, सपने में ये एरिया देखा, क्योंकि तो, आप आए नहीं थे यहाँ। हाँ, तो बेटी बोलने लगी मम्मा आप मत्था टेकने तो हम गए हैं वहाँ शिरडी, लेकिन हम द्वारका माई तो गए ही नहीं मम्मा,
वो जगह थी जहाँ बाबा बैठते थे वहाँ मम्मा ये उदी ये जो जलाते हैं ना धुनी जल रही है इसको सपने में देखी तो बोलने लगी मम्मा उस जगह तो हम गए ही नहीं तो मम्मा वहाँ स्टील के पिलर भी लगे हुए हैं सपने में इसने देखा तो मम्मा उस जगह तो हम गए ही नहीं तो हम फिर दूसरी बार हम खुद से आए मेरी सास हम मेरा बेटा नहीं आया फिर मेरी सासू माँ आए तो हम आए फिर जब यहाँ से गुजरे मम्मा यही जगह तो बोल रही थी मैंने सपने में देखी थी तो यहाँ हम नहीं आए तो बस ऐसे ही चलता रहा सिलसिला फिर हम दो तीन फिर कोरोना के दो सारे तीन फिर नहीं आए फिर उसके बाद बीच में फिर एक बार आए फिर बाबा ने एक बड़ी परीक्षा ली हमसे साथ भी दिया बाबा ने सफल भी हो गए इसका ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम बन गई थी ओहो हाँ फिर इसका ऑपरेट हुआ श्रीनगर में ही वो भी बाबा का कर्म था इसको तो बाबा मालिक की कृपा से बिल्कुल नॉर्मल है बच्चे तो बहुत बड़ा जिंदगी का ये बाबा का एहसान ये होता नहीं है थी क्योंकि मेरे खुद के लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मैंने अभी एक एक्सपीरियंस और भी इससे पहले भी आ चुका है उसको भी गांठ हो गई थी और आज वो 22-24 साल की बच्ची है उसको भी बिल्कुल नहीं लगा और बाबा इस पे कृपा बनाए तो उसके साथ क्या हुआ था इसको ऐसे ही मैं छुट्टियां थी दिसंबर में हमें विंटर वेकेशन पड़ती है तो मैं जम्मू गई तो इसके ना पेपर ख़त्म हुए एक दिन जैसे ही मैं गई ना तो दूसरे दिन इसको ना ऐसे कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम बन गई इसको इसको ऐसे फिट सा पड़ा तो हम इसको ले गए चेक करवाया उसने बोला कि इसका MRI होगा बाकी नॉर्मली बोला ऐसे ठीक है पर MRI इसको करा लो तो इसका MRI की जिस दिन वो था 25 दिसंबर का दिन था क्रिसमस का दिन था तो इसकी वो मनहूस दिन था मेरे लिए मैंने उस दिन क्या किया वो सुबह में कुदरती मैं सुबह नाश्ता करने लगी तो मैं बोलूँ बाबा आज मैं नाश्ता करने लगी हूँ पता नहीं मैं फिर पेट भर के खा सकूँगी कि नहीं कुछ कुदरत से ही मेरे मन में ऐसा आया खाते टाइम में क्योंकि इसका MIR डबल बार हुआ था तो मुझे उसी टाइम कुछ शक पड़ गया तो मैंने अपनी जेठानी को फ़ोन किया मैं दीदी इसका इसका टेस्ट हुआ दो बार हुआ है पता नहीं क्या बात है उन्हें कुछ नहीं है कुछ नहीं होगा जब हम इसका टेस्ट हुआ तो दूसरे दिन 25 दिसंबर वाले दिन इसकी रिपोर्ट मिली थी तो रिपोर्ट लेने हम गए दोनों मैं और मेरे हस्बैंड तो इसको हमने गाड़ी में ही बिठाया तो वो रिपोर्ट ली तो उन्होंने बोला कल आपके साथ कौन आया था मैंने बोला मेरे हस्बैंड आए थे उसने कॉन्फ्रेंस में कॉल रखी थी और उसके उस दिन क्रिसमस था तो वो अपने बच्चों के साथ ही थी तो आगे जो लड़की रखी थी उससे बात करवाई तो बोलने लगी इसको ना ब्रेन में ये बात बन गई है और इसकी सर्जरी होगी आपको चंडीगढ़ से लुधियाना जाने पड़ेगा बस जैसे ही मैंने बात सुनी मैं वहीं उसी जगह बैठ गई तो मैं रोने लगी जैसे ही मैं बैठी वहाँ आगे उस क्लीनिंग में साईं बाबा का स्वरूप ऐसे स्वरूप था साईं बाबा का जैसे मैं बैठी उसमें वहाँ साईं बाबा का स्वरूप था मैंने उनकी तरफ देखा मैं इतना रोई उस दिन मेरे हस्बैंड को तो पता ही नहीं चला उसने क्या बोला लेकिन मैं तो समझ गई उसने क्या बोला मेरे हस्बैंड को नहीं पता चला उन्होंने फिर मेरे हम घर आ गए मैंने अपने जेठ को फ़ोन किया जेठानी को वो भी बड़ा साईं बाबा को मानते हैं वो कैसे दिन गुजरे मेरे बाबा के बिना मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता कोई नहीं समझ सकता मेरी माँ मेरी बहन मेरा भाई सिर्फ मेरे बाबा समझते कि वो दर्द के दौर मैंने कैसे गुजारा फिर हम उसी दिन दूसरे दिन मेरे भाई ने हमें वो ले गया हमें लुधियाना फिर डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट उसने बोला घबराने की कोई बात नहीं पता लेफ्ट साइड होना इसको राइट है कोई घबराने फिर हम वहाँ से चंडीगढ़ चले गए आपके बजट के मुताबिक हो जाएगा आप चंडीगढ़ चले जाओ चंडीगढ़ गए हम चंडीगढ़ भी हम बहुत घूमे ये वो डॉक्टर ने पहले जैसे ही डॉक्टर ने चंडीगढ़ देखा ना इसका रिपोर्ट उसने इसके बुलाया इसको बोला कि ऐसे तुझे ये बात है 22 साल की लड़की इसको पता होना चाहिए इसको क्या प्रॉब्लम है इसको बोल दिया तो इसको भी पता चल गया तो बस ये वीडियो देखती रही मैं बाबा की तो मुझे अंदर से मजबूत नहीं बाबा है मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं होगा मेरे साईं है मेरे साथ मैं ये बोलती थी मेरे बाबा हैं कुछ ऐसा नहीं होगा फिर हम रहे 21-22 दिन हम रहे वहाँ यहीं पर चंडीगढ़ वहाँ मेरे हस्बैंड की कज़न थी वो भी साईं डिवोटी है उसने बड़ा हमारे साथ कॉपरेट किया उसने खुद से ही हमारा रूम भी लिया सब कुछ हॉस्पिटल आना जाना बाद रेशन बहुत कुछ देखा हमने हे साईं कोई कितना बड़ा दुश्मन हो लेकिन उसको अस्पतालों में नहीं भेजना मैं तो यही भी द्वारका माई के आगे बैठ के बोलती हूँ हर कोई स्वस्थ रहे बाबा हर कोई स्वस्थ रहे फिर वहाँ से कोरोना का दौर शुरू हो गया थर्ड लेयर जब आई थी थर्ड बार आया था वो फिर उन्होंने बोला फिर आप आगे आना फिर वहाँ से मेरे हम जम्मू आ गए दोबारा अब महीने की डेट दी उन्होंने हम फिर जम्मू आ गए जम्मू आके हमने मेरे जेठ जी बोलने लगे कि श्रीनगर में हमारा बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है तो सोरा हॉस्पिटल तो वहाँ चेक कराओ
वहाँ फिर वहाँ हम उधर के हैं तो उधर जान पहचान थी, तो अच्छा हमें वहाँ डॉक्टर मिल गए, उन्होंने देखा शेखा, उन्होंने बोला कुछ घबराने की बात नहीं, अगर ऑपरेशन की नौबत आई, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बात की, छोटा सा माइनर सा होगा, आप घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर हम दवाइस को मेडिसिन लग गई, मेडिसिन एक खाती रही, इसका पेपर भी हो गए, पेपर हो गए, जैसे ही पेपर ख़त्म हुए तो हम जम्मू गए, तो दूसरे दिन हम शिरडी निकल आए। हमने बोला बाबा अब इसका हमने टेस्ट करवाना जाके, तो इसका टेस्ट नॉर्मल आना चाहिए। हम इधर आए, मथा शथा टेका, मथा टेक के हम चले गए घर, जम्मू से हम चले गए वहाँ पे घर पूंछ में, पूंछ से हमने जाना था वहीं से मुगर रोड से श्रीनगर, तो हम वहाँ से श्रीनगर ही चले गए डॉक्टर को चेक कराने। डॉक्टर ने जैसे ही देखा इसको तो बोला तू तो अच्छी बनी है, नॉर्मल है, तुझे क्या है, तो अब तू क्या करना, अब तूने आना है दिसंबर में इसको चेक कराने, तूने जून में हम दिखाने गए ना, तो डॉक्टर ने बोला अब तूने दिसंबर में आना चेक कराने इसको, अब तू ठीक है, तू पढ़ आ गए। तो उसी रात जैसे ही हम दिसंबर में जून में गए ना चेक कराने सुबह, तो 3 बजे हमें डॉक्टर ने वहाँ से मिले, तो हम फारग हुए, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम घर चलेंगे, हम इधर किसी के घर, इनका फ्रेंड है श्रीनगर में सरदार, उनके घर नहीं रुकेंगे, हम घर जाएंगे। मेरे हस्बैंड बोलते नहीं, ये शाम का टाइम है बड़ा, आप कैसे मुगर रोड, वहाँ एरिया भी ऐसा है, तो कैसे चलेंगे। तो मेरा मन ना उस दिन बहुत परेशान, बहुत परेशान, मैं नहीं घर, वो सरदार बोले नहीं भाभी अब घर नहीं जाना, इधर ही रुको, तो हम उसी के घर रुके, उसी के घर रुके, रात को इसको तकलीफ होगी, इसको वही फिट्स दोबारा शुरू हो गए, बड़ी कंडीशन इसकी ख़राब। फिर इसने डॉक्टर से वीडियो कॉल पे बोला, वीडियो कॉल करो डॉक्टर को, तो हम मेरी कंडीशन देखें, वो सब बाबा की हिम्मत थी, तो उस टाइम भी ये स्ट्रांग थी, तो बस इसको वही दोबारा डॉक्टर ने बोला कि इसको एमरजेंसी में आप सोरा हॉस्पिटल ले आओ। मुझे क्या बताऊँ, क्या क्या वक्त था मेरे लिए, वो मौत के, मौत से लड़ता है ना जैसे माँ कोई बच्चे के लिए, वो लड़ी थी मैं मौत से, मैं वो वक्त वो पल बिया ही नहीं बता ही नहीं सकती कि कैसे गुजारे वो मैंने वक्त, वो टाइम कैसे गुजारा है। फिर उसी टाइम वो सरदार, उसकी वाइफ, मी और मेरे हस्बैंड, ये तो चल ही नहीं सकती थी, इसको उठा के कंधे पे मेरे हस्बैंड ने गाड़ी में डाला, फिर ले गए एमरजेंसी में श्रीनगर में। वहाँ लोग बोलते हैं मुस्लिम, मैं बोलती हूँ बाबा की कृपा से वो मुस्लिम, हिंदुओं से भी बढ़ के हम हमारे साथ उन्होंने किया, क्या बात, हमारे सगे भाई बहन भी इतना नहीं कर सकते थे जितना उन मुस्लिम लोगों ने हमारे साथ किया। लोग श्रीनगर को बदनाम करते हैं, मैं इस चैनल के थ्रू बोलना चाहती हूँ सभी एक जैसे नहीं हैं, वो खुदा के बंदे हैं, वो रहमत करने वाले, उनके दिलों में दिया है। हम चंडीगढ़ में भी गए, जालिम लोग थे, वो उतने अच्छे लोग नहीं थे जितने हमने श्रीनगर में देखे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमारे साथ चंडीगढ़ में वही श्रीनगर में कॉपरेट की, हेल्प की। फिर बीच में ईद आ गई, फिर तीसरे दिन इसका सर्जरी हुई, तो इसका पहले टेस्ट हुआ, इसको मैंने उदी बाबा की दी, तो उदी का पैकेट दिया, इसका टेस्ट हुआ, टेस्ट में वही इसको गांठ ही आई कि है प्रॉब्लम इसकी। फिर इसका सर्जरी हुई तीसरे चौथे, हाँ ईद थी, 2 दिन के बाद इसकी सर्जरी, इसको अच्छी बली। मैंने बोला तू जा साईं बाबा के हवाले, ये ऑपरेशन थिएटर में गई, इसके पास ये वाला कड़ा था साईं बाबा का, साईं बाबा कड़ा था, ऐसे वाला साईं लिखा हुआ था, तो ये इसको जैसे उन्होंने लटाया, उन्होंने बोला ये किस पीर का है, डॉक्टर वो मुस्लिम है ना, उन्होंने बोला किस फकीर का कड़ा है ये किस फकीर का कड़ा है, किस फकीर का है, तो मैंने उनको बोला कि ये मतलब साईं बाबा का बोला कि उनका है, तो वो बोलते कि नहीं इसको उतारना पड़ेगा क्योंकि वो सर्जरी का होता है ना, हाँ, तो सब उतारते हैं इयररिंग्स वगैरह, हाँ सब उतारते हैं, तो फिर वो बोलते कोई बात नहीं हम इसको काटेंगे, आपके बैग में ही रखेंगे, आप टेंशन मत लेना, आपके साथ ही होगा ये। फिर उन्होंने काट के वहाँ पे उतार के रख दिया था, लेकिन जब सर्जरी होनी थी ना, मतलब ऐसे मुझे पता चला जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे वाले डॉक्टर ने कि मतलब श्रीनगर में सर्जरी होनी है, तो मेरे लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसी होगी, हमें क्या होगा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, एक पावर थी शायद वो अंदर से थी, वो पावर, बहुत सारे लोगों के पैरालिसिस हो जाते हैं, आधा अंग खराब हो जाता है, मगर बाबा की कृपा है कि मेरा बच्चा एकदम ठीक है, बाबा का बच्चा है, उसी का कर्म है, मेरी औकात और मेरे में तो हमने कुछ समर्थ है ही नहीं ना, हम आप माँ है, वो आपसे बड़ी माँ है। बस फिर वही उन्होंने जब बताया कि ऐसे डॉक्टर ने, तो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मैं डॉक्टर को भी भगवान की तरह मानती हूं, मैं बोलती हूं साईं का दूसरा, साईं का दूसरा रूप मेरे डॉक्टर है, उन्होंने ऐसे पटका बांध के रखते थे, पूरा साईं की तरह पटका लगा के रखते हैं वो, पूरे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आपका ऑपरेट होना है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज़ से, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं आप कर दो ऑपरेट, और मैं गई अंदर जब ऑपरेशन थिएटर में, मुझे बिल्कुल किसी चीज़ का डर नहीं लगा, बस मैंने एक ही चीज़ बोली कि ये एक मेरी जंग है,
जो मैंने जीतनी है और बाहर आना है। और आप बिल्कुल ठीक हो तो कैसा लगा ये एक्सपीरियंस 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं। ओम साई राम, जय साई राम।